राणा बाजार के 87 दुकानों को खाली कराने के आदेश कई दिनों से जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा द्वारा दिए गए थे, लेकिन जब दुकानों को खाली नहीं किया गया तो उसके बाद जिलाधिकारी और आयुक्त नीमा अरोड़ा के अगुवाई में राणा बाजार में हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। राज्य सरकार की इस जमीन पर के अतिक्रमण को साफ किया गया। कुछ ही पल के भीतर हरा भरा दिखने वाला ये बाजार खंडर में तब्दील हो गया। सुबह से ही भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और देखते ही देखते पूरा राणा बाजार जो है महानगर पालिका का इस पर बुलडोजर चल गया है। हालांकि इसमें कुल 87 दुकानों को तोड़ने के बारे में बात कही जा रही थी, लेकिन पूरे राणा बाजार को ही अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। बाजार में जहां नीमा अरोड़ा आयुक्त और जिलाधिकारी और आयुक्त नीमा अरोड़ा के आदेश के बाद आज आखिरकार थाना बाजार की दुकानों को खोलने का सिलसिला यहां शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है और किसी भी तरह से किसी को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस के अलावा कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपको बता दें इन दुकानों को तोड़ने के लिए इसको लेकर काफ़ी सियासत यहाँ पर चली है और काफ़ी दाव पे यहाँ चले हैं, जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पर आक्रोश भी लोगों में नजर आया, लेकिन अंत में ये सभी दुकानों को तोड़ दिया गया है। आपको बता दो कि ये जो उपकरण है ये महाराष्ट्र राज्य सरकार से होने की वजह से इन्हें खाली करने के आदेश पहले ही यहाँ पर दे दिए गए थे, जिसके बाद आज सुबह से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैं शाहिद इकबाल, आगरा से एमकेएन न्यूज़।